इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटेंट लॉक क्या होता है हमारे फ़ोन के अंदर और इसका काम क्या रहता है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता था कि एक्सटेंट लॉक क्या है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि है क्या। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप अपने पासवर्ड से अपने फ़ोन को नहीं खोलना चाहते तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है, ये इसके द्वारा आप अपने पासवर्ड को खोल सकते हैं। इसके लिए आप नियर, पैलेस या फिर ट्रस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ़ीचर मिलता कहाँ है हमारे फ़ोन के अंदर। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो फ़ोन की सेटिंग्स में हम चलते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दिखाई देगी, तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाइए एंड सबसे नीचे चले जाइए और यहाँ पर आपको प्राइवेसी दिखाई देता है और प्राइवेसी के नीचे मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी दिखाई देता है, तो इस पर जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो एक्सटेंड अनलॉक दिखाई देता है, तो इसे खोल लीजिए और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करिए, री पासवर्ड। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे करना क्या है, देखिए ये जो है आपके डिवाइस को अनलॉक कर सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको नियर बताता हूँ, नियर वाला जो ये पैलेस है और पैलेस वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम किसी मैप को खोलते हैं और वहाँ से ऐड करते हैं ट्रस्टेड लोकेशन, ठीक है। आप ट्रस्टेड लोकेशन के पास जाने के बाद अब कोई सी भी लगा लीजिए आप, जैसे इसी एरिए की लगा लीजिए, मान के चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कई आसपास की जो है जगह को, तो ये जगह ऐड हो जाएगी। अब मान के चलिए हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा उस समय पर जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा ट्रस्टेड समझकर। इसी तरीके से ऑनबॉडी डिटेक्शन एंड ट्रस्टेड डिवाइस होता है, जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा खुल जाता है, ठीक है। तो ये रहता है एक्सटेंड अनलॉक। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।